हेलो, आई मैं कुशता हूँ। दिस इज यूए कैपिटल। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा आज, आई होप। देखो यहाँ पे सीधा 700 के ऊपर ओपन हो गया, तो यहाँ पे इसे कभी बाय नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम देखो, यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जा रहा है क्या, लेकिन सीधा नीचे आने के बाद आपको वेट करना था, सस्टेन होने दो, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बाय करना था आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे किया पे भी आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा पहले 5-10 मिनट में, तो ये बहुत गलत बाय होता है। जब भी बड़ा गैप अप होता है और वो सीधा डाउनफॉल देता है तो आपको रुकना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके। बैंक निफ्टी ने देखो नीचे हुआ, अपने लेवल से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर अगर जाता है और लेवल ब्रेक करता है तो ठीक है, तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन सीधा यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे आ रहा है तो हम बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से जब ऊपर गया तो अराउंड 60 के आसपास ही गया, वहां से घूम गया, ठीक है। और यहाँ से जब 60 उसने फिर से ब्रेक किया तो सीधा 250 पॉइंट का रैली आपको दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 250 पॉइंट का रैली मिल गया। और निफ्टी में देखो अगर 700 के ऊपर बाय करते इस लेवल के आसपास तो अराउंड ऊपर गया है वो 70 के आसपास, ठीक है। मतलब अराउंड आपको 60-70 पॉइंट का टारगेट मिला होगा 1:2 के आसपास। तो चलो देखते हैं अभी कल के लिए मार्केट क्या हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि आज ऊपर जाने का चांस है ज्यादा है अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो चलो देखते हैं ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्या। इसलिए डेली में जाना पड़ेगा। डेली में देखो एग्जैक्टली 200 का मूविंग एवरेज जो है उसका सपोर्ट लेके ऊपर गया है मार्केट और बहुत अच्छी कैंडल है, ठीक है। तो अगर ये कल का हाई ब्रेक करता है और अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है तो ये इस लेवल के आसपास जा सकता है, मतलब 820 के आसपास, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि बाय करना है तो किस लेवल पे करना है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, 17785 के ऊपर बाय करना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी बाय करो, जो है 17785 के ऊपर आपको करना होगा बाय, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पे इस लेवल के, अगर नीचे जाता है तो शॉर्ट का रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगेन ये देखो बहुत सारे क्या रहेंगे, सपोर्ट रहेंगे, तो शॉर्ट का थोड़ा इग्नोर करो। ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को अगर ब्रेक मिलता है तो मार्केट का मोमेंटम ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो बाय का ट्रेड लेंगे सिर्फ। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी डेली में अगर देखते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अभी देखो ये मोमेंटम था, ये थोड़ा सा उसने रिट्रेस दिया है, अभी फिर से ऊपर जाना है। मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी पॉजिटिव, निफ्टी थोड़ा निगेटिव है, ठीक है। तो अभी ये जो हेवी सेलिंग था इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, तो 720 730 के ऊपर ही बाय करेंगे, ओके। तो मार्केट में अगर बाय करना है तो 42720 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी हम बाय करेंगे। शॉर्ट का ट्रेड सेम थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिलेंगे, दिस वन, तो बाय के लिए मोमेंटम अच्छा मिलता है तो ले लेंगे, शॉर्ट का ट्रेड थोड़ा इग्नोर करेंगे। Understood how to trade in Nifty and Bank Nifty for tomorrow, that is Tuesday, and also follow our Instagram page, that is ua.capital. You will get more info there. And again, I'm Akash Dhawan. This is UA Capital. Let's meet in the next session. Till then, happy trading.